एक ITC जिसके नंबर्स काफ़ी अच्छे थे शिवांगी, उसकी वजह से चल भी रहा है, अच्छा अच्छी कवरिंग करवाई है इसने, और कई दिनों की ताबड़तोड़ गिरावट के बाद मेट्रोपोलिसिस का शेयर आज हरे निशान में दिख रहा है, 50% टूटा अपने हाई से। ये एक बार जरा आप दोनों शेयर्स को चेक कर लीजिए जी। आपने मेरे स्टॉक पिक चुरा लिया आज, तो आज मेरा दूसरा स्टॉक पिक था ITC पे। तो हमने देखा यहाँ पे प्राइस वॉल्यूम ब्रेकआउट हुआ है और ये ओनली स्टॉक है आज सुबह से हम देख रहे हैं ओपनिंग टिक से लेके अभी तक जिसमें स्ट्रेंथ बना हुआ है और काफी शानदार एक शॉर्ट कवरिंग मूव देखने को मिल रहा है। और जो अपने 50 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है डेली पे, वो काफी अच्छी तरह से उसको होल्ड कर रहा है और यहाँ पे भी हम देख रहे हैं सिमिलरली एक बुलिश इनगल्फिंग पैटर्न बन रहा है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे बुल्स काफी स्ट्रेंथ से बने हुए हैं और हमने देखा कि पिछले हफ्ते मार्केट वीक टेरिटरी में था, फिर भी ये स्टॉक एक ऐसा स्टॉक था जो अपने लेवल्स होल्ड करा था और रेजिलिएंट था। आज हम देख रहे हैं कि अपने एक प्रीवियस हर्डल जो था 273 का, वो उसने सरपास किया है। तो मुझे लग रहा है यहाँ पे स्ट्रेंथ बरकरार रहेगा और हम यहाँ खरीदारी की सलाह कर सकते हैं 285 के टारगेट्स, और स्टॉप लॉस हम बनाए रखेंगे 268 का। ठीक है, 285 का आपका टारगेट है और 268 का स्टॉप लॉस है। ध्यान देने वाली बात ये भी है कि मार्केट के कॉन्टेरियन चला, जब निफ्टी करीब नीचे आ रहा था तो ये शेयर ऊपर चला है। मैं आपको एक ITC का एक ऑब्जर्वेशन भी दिखाता हूँ, पिछले 2.5 से 3 साल के अंदर जो ITC के अंदर हुआ है उसने ये चेस्ट बिल्कुल तय कर दी है कि ITC अब शायद जल्दी जल्दी अपने लेवल्स को ब्रेक नहीं करेगा। आपकी स्क्रीन पर एक बार जरा ITC का चार्ट आएगा, आप जरा देखिएगा, ये जो हमने पूरा एक चैनल ड्रॉ किया हुआ है, आप थोड़ा और इसको जूम आउट करिए तो आपको पूरा ये चैनल दिखेगा। ये आप देख पा रहे होंगे 2.5-3 साल के अंदर इसका मेगा फॉल और फॉल के बाद की रिकवरी है। एक चीज़ आप बहुत गौर से देखिएगा, ये 200 दिन की एवरेज और 50 दिन की एवरेज है, ये इस पैरलर चलती गई और धीरे धीरे करके अब इसमें डाइवर्जेंस आया, आपको दिख रहा होगा ये डाइवर्जेंस, यहीं से इसका टर्निंग पॉइंट था, यहीं से ये चलना शुरू हुआ और हमने देखा इसने हिट किया था और हिट करने के बाद अपने 3 साल के हाई को वापस टेस्ट किया लेकिन फिर से नीचे आ गया। ये डाइवर्जेंस आपको फिर से दिखने लग गया होगा 50 और 200 दिन के एवरेज का, फिर से इसने हिट किया लेकिन इस बार इसने अपने 2.5 साल वाले 3 साल वाले के हाईज को ब्रेक कर दिया। आप देख पा रहे होंगे ब्रेक कर दिया इसने और इसके ऊपर आके अब ट्रेड कर रहा है। टिपिकली कोई भी शेयर जब इस तरह के चैनल्स का ब्रेकआउट करता है तो बहुत अच्छा इन्वेस्टिंग कॉल मानी जाती है, भले थोड़ा स्लो मूवर हो लेकिन अच्छी इन्वेस्टिंग कॉल मानी जाती है। ITC के नंबर्स ये ट्रिगर बना इसके, यहाँ पे अगर नंबर थोड़े भी ख़राब होते ना तो यहीं से वापस आ जाता जहाँ से पहले टूटा था, तो यहीं से वापस आ जाता है। इसलिए कल मेक ब्रेक वाला था लेकिन आज टिपिकली इसने मेक ही किया, इसने ब्रेक किया ही नहीं है। आगे बढ़ते हैं शिवांगी, हम आते हैं जरा शेयर शॉर्ट्स वाले पे जहाँ पे मंदी देखने को मिल रही है, वो आपके स्क्रीन पर आएंगे। पिरामिल एंटरप्राइजेज और कफोर्ज, पिरामिल तो है NBFC का और कफोर्ज है IT कंपनी, दोनों ही अलग अलग सेक्टर्स की हैं बट दोनों में एक चीज़ कॉमन है कि ये अपने जब भी राइज आ रहा है ना इसको डिस्काउंट कर रही हैं और टूट रही हैं। 2200 से टूट के 1800 आ गया पिरामिल एंटरप्राइजेज, आप चार्ट देखेंगे आपको खुद दिख जाएगा शिवांगी। आप जरा बताइए अभी इनमें क्या करना है, कुछ सौदे बचे हैं शॉर्ट करने के लिए या फिर भूल जाए इनको? जी, अगर हम दोनों चार्ट स्ट्रक्चर कंपेयर करें सेटअप, तो मुझे लग रहा है पिरामिल का जो स्ट्रक्चर है वो ज्यादा वीक है और जो अपने ये वीकली स्ट्रक्चर को नेगेट करने की कोशिश भी किया, जो एक लोअर हाईज लोअर लोज बनाते जा रहा था पर ऊपर के स्तर में सस्टेन नहीं कर पाया और नीचे लेवल्स वापस टेस्ट कर रहा है, तो मुझे लग रहा है यहाँ पे डाउन साइड और मूव हम देख सकते हैं। 1800 तक के लेवल्स हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं यहाँ पे और स्टॉप लॉस हम बनाए रखें 1900 का स्टॉप लॉस। आप ये कह रहे हैं कि थोड़ा और मूव कर जाएगा तो 1800 आ जाएगा नीचे। आप इसमें एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ मैं आपको दिखा देता हूँ पिरामिल एंटरप्राइजेस के अंदर, फिर हम थोड़ा और आगे बढ़ जाएंगे फिर शिवांगी की आज की कॉल्स। ऑलरेडी हमने ITC और ACC तो उनसे पूछ ही लिया, इसके अलावा कुछ कॉल्स बची होंगी तो वो भी लेंगे। पिरामिल एंटरप्राइजेस पहले लेवल्स आप नोट कीजिए, 1800 और 1900 का एक स्टॉप लॉस है। ये वीक क्यों है आप चाहे आप इसको शॉर्ट करें ना करें, कई लोगों का ये होता है कि हम शॉर्ट करके पैसा नहीं बना सकते, बिल्कुल भूल जाइए आप छोड़ दीजिए, लेकिन आप बॉटम पे बाय तो कर सकते हैं, तो बॉटम का वेट कीजिए 1800 का। उन लोगों के लिए 1800 बाय कॉल हो सकती है जिनको सिर्फ बाय ही करना होता है, जिनको बेचना नहीं होता। जहाँ से क्रॉस ओवर्स हुए हैं और वहाँ से ब्रेक डाउन हुआ है उसके बाद से एक साइडवेज हुआ था ये शेयर, जब ये अपने पुल बैक दिखाता है ना तो इसी साइडवेज वाले बॉक्स की तरफ वापस गया होगा, आपने देखा होगा ये उसी साइडवेज चैनल में वापस से गया, या तो यहाँ से चल जाता या तो यहाँ से इसको ब्रेक कर देता, लेकिन इसने डिसाइड किया कि यहाँ से भी नहीं चलेगा, एक गैप दिया और फिर से अपने जो क्रूशल लोज है
उसको टेस्ट करने के लिए जा रहा है, जिसको हम 1800 का लेवल कहते हैं। आप अपनी स्क्रीन पर भी देख पा रहे हो कि बकायदा इसके अंदर डिस्काउंट है 2.5 रुपये का, यानी कि फ्यूचर्स में भी इसको बाइक खरीदना अभी नहीं जा रहा है, तो रुक जाएंगे या तो इसके 1800 के लेवल पे, यानी कि जो इसका पैनिक बॉटम बना हुआ वहाँ पे आएंगे, नहीं तो फिर देखते हैं इसमें भी क्या